एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। आइए उनसे बात करते हैं। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर, हमारे परिवार में दो बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर, बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ, आपको वो ट्रेनिंग कहाँ मिली, कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है, वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ, और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात होगी। आज तो आप एक तरह का कह जाए सेलिब्रिटी हो गए हैं, लगातार फोन भी आ रहे हैं, कभी ऐसा सोचा था? नहीं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब देश का माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। बहुत खुशी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, और मुझे इस लायक समझा कि मुझसे समय निकाल के मुझसे बात की। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं महिलाएं पीछे रहती, लेकिन आपके आप भी देखें। जी, महिलाओं के लिए सर मेरा ये मानना है कि लोगों का कहना है कि घर के कामों से महिला बाहर नहीं निकल सकती, अगर महिला अपने ऊपर आ जाए तो महिला सब कुछ कर सकती है। और मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर का काम करने के बाद में मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है, जिसमें मेरे हस्बैंड बराबर सपोर्ट करते हैं, और मुझे आगे बढ़ने का पूरा अवसर मेरे हस्बैंड अगर ना दिए होते तो हम इस लायक हो सकता ना पहुंच पाते, ना इस यहाँ होते आज। ड्रोन दीदी क्यों कहते हैं आपको? ड्रोन दीदी सर एक मेरी अभी तक तो पहचान थी, समूह की दीदी के नाम से हम पहचाने जाते थे, और मुझे अब ड्रोन दीदी के, नमो ड्रोन दीदी के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अब मुझे ड्रोन मिला है तो ड्रोन के नाम से मुझे जाना जाता है। तो ड्रोन का क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप चलाते हो, किस लिए ये? सर ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब फार्मर जो होते हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं, उनको एक लेबर लगा के मतलब स्प्रे कराना होता है, एक तो समय की बचत होती है, इससे समय बहुत कम लगता है, और जो काम पूरे दिन में होता है वो काम इसमें एक एकड़ 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा, आप मुझे समझा सकती हैं पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन, क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था, उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी, जैसे बरसात में दिक्कत होती खेत में, फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा, और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा, हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक, तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है।
जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं, और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का, अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।